हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्लास 11 का फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है ना, इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं कि एक्चुअली में ये फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। ठीक है, तो जनरली ये फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इसमें हम लोग को जनरली फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? फ्लूइड्स। तो यार, जैसे कि पता है कि फ्लूइड्स के बारे में जब पढ़ना है तो फ्लूइड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअली में ये फ्लूइड्स है क्या। तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टेट तीन होता है। बोले स्टेट कौन सा? एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो तीन तरह का जनरली तो तीन होता है, मेनली पांच बोला जाता है, लेकिन मेन जो होता है ना वो तीन ही होता है। अगर मैं इन तीनों को और भी फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो एक्चुअली में इनमें आप लोगों को दो चीज़ तो देखने को मिलेगा। बोले दो चीज़ क्या? तो जैसे मैं बात करूं ना सॉलिड, तो सॉलिड को रिजिड बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडी। क्यों बोला जाता है रिजिड? क्योंकि इसका शेप और साइज जो है ना चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई बॉक्स बना हुआ है, तो अगर मैं इसे 10 मीटर पर सेकंड का रफ्तार दूं, तो इसका मतलब यह है कि इसका जितना भी इंटरमॉलिकुलर लेवल में जितना भी पार्टिकल है ना इंटरनल, ठीक है, उसके बीच का जो है डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब ये भी 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा होगा। ठीक है, मतलब इसका शेप और साइज जनरली जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये डस्टर है, ठीक है, अगर ये डस्टर है यहाँ पर, तो अगर मैं इसे हथेली पे रख दूँ ना तो भी इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, ये इतना का इतना ही रहेगा। मतलब ये फ्लो नहीं कर सकता है, मतलब इसका जो पार्टिकल है ना वो फ्लो करने का टेंडेंसी नहीं रखता है। क्लियर ये बात? लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड और गैसेस के बारे में, तो ये एक्चुअली में ना फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है। बोले फ्लो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं कंटेनर लूँ, इस पे अगर कोई पानी भरा हुआ है सपोज दैट, तो अगर इस कंटेनर में रखा हुआ है तो एक्चुअली में उस पर फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे फ्री स्पेस में डाल दूँ, अगर मैं अपने हथेली पे डाल दूँ, तो ये फ्लो करके बह जाएगा, है ना। तो बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ फ्लो करने का टेंडेंसी रखता हो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। एनी थिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड में एक्चुअली में दो तरीके का होता है, एक लिक्विड और दूसरा गैसेस। ठीक है, फ्लूइड की गिनती में दो ही आते हैं, लिक्विड और गैस। लेकिन जनरली हम लोग अभी लिक्विड के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। बोले ऐसा क्यों यार, गैसेस के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों? यहाँ पर नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स और सिर्फ पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में? नहीं, गैसेस के बारे में एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, KTG। अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का एग्जाम्पल लेने वाले हैं ना फ्लूइड्स में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समझिए लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का मेन यहाँ पर ये समझना है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम लोग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, है ना, मेनली कौन कौन से चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लूइड को ना हम लोग दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बोले कौन कौन सा? पहला, जब फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब जब फ्लूइड रुका हुआ रहेगा, और एक बार जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, है ना, फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड इज इन मोशन। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड को, जब फ्लूइड एक बार रेस्ट में होगा तब, और एक बार जब फ्लूइड मोशन में होगा तब। तो गाइज, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि रेस्ट और मोशन हम लोग कहाँ से देखेंगे, है ना, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व करे? तो मैं बता दूँ कि इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंटेनर होगा हम लोगों का, क्या? कंटेनर। ठीक है, जिस कंटेनर में पानी रखा हुआ है वो कंटेनर होने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो ये अभी रखा हुआ है, तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि ये जो फ्लूइड है जिसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है सपोज, ठीक है, तो वो लिक्विड कैसा है? रेस्ट में है। लेकिन अगर कल के दिन मैं इस कंटेनर को भी अगर मूव करवा दूँ ना, तो आप लोग ये मत बोलोगे कि एक्चुअली में फ्लूइड मोशन में आ गया। नहीं, उसको अभी भी किसके गिनती में रखना है? रेस्ट के गिनती में रखना है। बोले ऐसा क्यों? जैसे ये ग्लास में पानी भरा हुआ है सपोज दैट, ठीक है, तो ये ग्लास अभी ऐसे ही रखा हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप लोग वहाँ से देख रहे हो। अगर मैं इस कंटेनर को मूव करा दूँ तो आप लोग को भले नज़र आ सकता है कि एक्चुअली में ये फ्लूइड मोशन में आ गया, लेकिन नहीं, देखना कहाँ से है? ये कंटेनर से देखना है हर बार। अभी देखिए ऐसा रखा हुआ है, तो आप लोग कंटेनर बैठ करके देखोगे तो आप लोग को क्या लगेगा? रेस्ट में है। जब मोशन में भी आ जाएगा ना, तो आप लोगों को कहाँ से ऑब्जर्व करना है? कंटेनर में बैठ करके। तो जब आप कंटेनर में बैठ करके ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आप लोग को क्या लगेगा? फ्लूइड रुका हुआ है। क्लियर ये बात? फ्लूइड मोशन में नहीं आ गया। अब जैसे मान लीजिए मम्मी ऐसे हाथ में पानी लेकर के आती है, मम्मी मोशन में आ गई, कंटेनर भी मोशन में आ गया, तो क्या बोलते हो आप लोग? फ्लूइड मोशन में आ गया है? नहीं,
क्योंकि मम्मी जो है देख रही है इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में देख रही है ना, तब उसको क्या बोलती है मम्मी कि रेस्ट में, फ्लूड बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, क्लियर है बात। तो बोले यार तो मोशन किस में आएगा, मोशन किस में आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग का नाला का पानी, देखिए नाला के रिस्पेक्ट में ये पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, हाँ, तो इसको मोशन में बोलेंगे, है ना, फ्लूड मोशन में आ गया है। या फिर कोई पाइप में पानी बह रहा है, देखिए पाइप तो हम लोग ऐसे हाथ में पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और जनरली पाइप के रिस्पेक्ट में देखिए पानी फ्लो कर रहा है, तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूड जो है मोशन में आ गया है, क्लियर है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ होगा, कंटेनर होने वाला है, क्लियर है ये बात। तो बस सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो कंटेनर रुका हुआ हो या कंटेनर मोशन में हो, ठीक है, ठीक है, कंटेनर रुका हुआ हो या फिर कंटेनर मोशन में हो, अगर उस पर कोई फ्लूड रखा हुआ है वो रेस्ट में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लूड इज एट रेस्ट। लेकिन कंटेनर रुका हुआ हो, ठीक है, तब भी फ्लूड जो है मोशन कर रहा है, जैसे पाइप में जनरली होता है, तो समझिएगा फ्लूड इज इन मोशन। लेकिन कंटेनर के रेस्ट और मोशन के वजह से ये नहीं कि फ्लूड मोशन में आ जाएगा जब कंटेनर मूव करने लगेगा, तब नहीं, कंटेनर जब मूव भी करेगा ना तब भी हम लोग उसको पढ़ेंगे फ्लूड इज एट रेस्ट, क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, कंटेनर को माने हम लोग, क्लियर। चलिए खैर अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स को कवर करना है। तो जब जब फ्लूड इज एट रेस्ट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। इस ब्रांच का क्या नाम है, हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा तो इसका ब्रांच का नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स, है ना, हाइड्रोडायनेमिक्स। गाइस डायनेमिक्स का मतलब ये होता है मोशन, क्लियर। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो इस ब्रांच का नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स, और जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा तो इस ब्रांच का नाम है हाइड्रोडायनेमिक्स। अब जनरली हम लोग को इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या कवर करना है कि कोई कंटेनर में पानी है तो किसी भी एक जनरल पॉइंट में बताइए कि प्रेशर कितना आएगा। डेप्थ पे जाने पर प्रेशर का वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, हॉरिजॉन्टल पे मूव करने पर प्रेशर का वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, है ना, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर मेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी में हम लोग देखने वाले हैं LOF। बोले ये LOF क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कि कोई भी चीज़ तैरेगा या डूबेगा, है ना, वो किस बेसिस पर डिफाइन होगा, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पास्कल्स लॉ देखेंगे, है ना, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में भी जनरली हम लोग और भी बारे में बात करेंगे, है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, सारा टॉपिक मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेन टॉपिक लिख रहा हूँ इसका, बाकी एप्लीकेशन वगैरह हम लोग बीच में जब एक एक करके स्टडी करेंगे ना तब हम लोग बात करने वाले हैं। पास्कल्स लॉ हो जाएगा, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, ठीक है। जनरली हम लोग को ये सब जो है पढ़ने वाले हैं, और बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, ठीक है, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। तो हम लोग इतना सारा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इसमें। जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, इट मींस हाइड्रोडायनेमिक्स वाले ब्रांच में जब हम लोग इंटर करेंगे, तो यहाँ पर जनरली हम लोग दो तरह, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, है ना, उसके बाद हम लोग का बर्नौली थ्योरम, बस ये दो मेन टॉपिक है। और बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन, सारा एप्लीकेशन बताया ना कि इसके बीच में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वेंचुरी मीटर हो गया एक, है ना, वेंचुरी मीटर, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसिलीज लॉ। खैर हम लोग सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं, है ना, और जनरली जैसे कि बताया कि जब फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा इसका जो मेन रूट है वो हम लोग का दो चीज़ों पर टिका हुआ है। बोले क्या क्या, पहला है डेंसिटी और दूसरा प्रेशर। जब तक आप लोगों को ये डेंसिटी और प्रेशर का फंडा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अधूरा है, समझ जाइए, ठीक है। तो पहला तो मैं दो लेक्चर जो है डेंसिटी और प्रेशर पे लेने वाला हूँ। तो गाइस फ्लूइड्स, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, जो भी फ्लो करने का टेंडेंसी रखता हो उसको फ्लूइड बोलते हैं, जनरली लिक्विड और गैस आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं, गैसेस के बारे में हम लोग देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। फ्लूइड जब रेस्ट में होगा तो उस ब्रांच का नाम होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोग ये सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्लियर। जब जब फ्लूइड मोशन में आएगा तो उस ब्रांच का नाम हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स, और उसमें जनरली हम लोग ये सब टॉपिक को कवर करेंगे। बीच में और भी टॉपिक होगा, हम लोग देख लेंगे उस टाइम, ठीक है। लेकिन फ्लूइड का ना दो प्रॉपर्टी और होता है जिसमें हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। जो पहला प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी
और दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं सरफेस टेंशन। तब हम लोग का समझिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का ये जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।